सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग को कंटिन्यू करते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग में अभी तक हमने पढ़ चुका है कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कैसे डील किया जाता है और पिछले साल की आउटस्टैंडिंग अमाउंट का कुछ पार्ट रिसीव होने के बाद भी करंट ईयर में पिछले साल की आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कैसे शो करेंगे, वो इस क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 2022, मैं एक टाइमलाइन बना देता हूं और जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। ईयर 2022, ये है करंट ईयर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, यानी ये सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड वर रुपीज 21 लाख। रिसीव्ड कितना? 21 लाख रुपया सब्सक्रिप्शन में मिला। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का मतलब ये नहीं है कि 21 लाख जितना भी अमाउंट मिला है वो पूरा का पूरा करंट ईयर से रिलेटेड है। यहां पर सिर्फ इतना ही लिखा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब इस अमाउंट में इंक्लूड हो सकती है पिछले साल की अमाउंट भी और मे भी आगे वाले साल की अमाउंट भी, जो कि हमें क्वेश्चन में हमेशा ही दिया हुआ होगा। हम खुद से कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे कि ये इतनी अमाउंट पिछले साल की है, इतनी अगले साल की है, इतनी इस साल की है। हमें जो जो डिटेल्स क्वेश्चन के अंदर दी गई होंगी हम वही वही सॉल्यूशन में पुट करते जाएंगे, टाइमलाइन पर पुट करते जाएंगे और अकॉर्डिंगली हमारा आंसर उसी हिसाब से आएगा। 21 लाख हमको रिसीव हो गया 2022 के अंदर। दीज सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड, दीज सब्सक्रिप्शंस का मतलब जो ये अमाउंट मिली है ये इसमें क्या है? इंक्लूड है। इंक्लूड है क्या? इंक्लूड है 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहां पे लिख देता हूं प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2021। ये साल यही खत्म हो जाता है। अब ये कह रहा है कि ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इसके अंदर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट इंक्लूड है 30,000 रुपए, जो कि 31 मार्च 2021 से रिलेटेड है। तो जो 2021 से रिलेटेड है उसको मैं यहां दिखाता हूं टाइमलाइन में और इस 21 लाख में से मैं वो 30,000 रुपए लेस कर रहा हूं। उसके बाद आ जाइए, 40,000 रुपए हमको मिले हैं जो कि रिलेट करते हैं 31 मार्च 2023 से रिलेटेड। 31 मार्च 2023 अभी आने वाला साल खत्म होना है। यहां से रिलेटेड यानी ये है एडवांस अमाउंट 40,000 फॉर एडवांस विच हैज बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021। तो ये भी घटा दो, हमको फाइंड आउट करना है करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन से जो भी इनकम जनरेट हुई है वो। 31 मार्च 2023 को 40,000 एडवांस मिल गया और पिछले साल से रिलेटेड 30,000 जो कि आउटस्टैंडिंग था वो भी हमें इस साल में मिला है, तो वो भी मैंने लेस कर दिया ताकि मेरे को मिल जाए करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम निकालने के लिए मैंने पिछले साल की अमाउंट भी लेस कर दी और अगले आने वाले साल की एडवांस अमाउंट भी लेस कर दी है। इसके बाद आ जाइए, एक पॉइंट और दिया गया है इस क्वेश्चन में। ऑन 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर रुपीज 50,000। अब इसकी थोड़ी कैलकुलेशन बता देता हूं। एक आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर, नॉट फॉर, एट द एंड ऑफ ईयर 2022, ठीक है, वो कितनी है? 50,000। अच्छा, अब ये जो 50,000 है उस 50,000 में हो सकता है पीछे वाली साल की अमाउंट भी आउटस्टैंडिंग हो सकती है। कैसे? आइए जानते हैं। पीछे वाली साल से रिलेटेड 30,000 रुपए हमको मिले थे इस अमाउंट के अंदर। अब लेकिन ये नहीं बताया गया कि टोटल की टोटल अमाउंट हमें रिसीव हो गई है या नहीं। ये हम अज्यूम नहीं करेंगे जब तक कि हमें क्वेश्चन में कोई भी और डिटेल नहीं दी गई हो। हम एक बार क्वेश्चन को आगे ना पढ़ें और अगर क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है तो मैं मान लेता हूं कि 30,000 ही पिछले साल की आउटस्टैंडिंग अमाउंट रही होगी
और वो इस साल में हमें रिसीव हो गई। लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन को थोड़ा आगे पढ़ता हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट एज ऑन 1 अप्रैल, कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर ऑन 1 अप्रैल 2021 कितनी थी? 60,000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे 31 मार्च 2021 को, जो कि 1 अप्रैल 2021 को भी आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद करंट ईयर में ये अमाउंट मिली है, जिसमें से 30,000 रिलेट करता है पीछे वाले साल का, जो कि हमें करंट ईयर में रिसीव हो गई है। तो ये मैं इसमें से अगर घटा दूं तो यही तो वो अमाउंट है जो कि 2021 से रिलेटेड है और करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग है। तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग अगर मेरे को निकालनी है तो टोटल 50,000 माइनस 30,000 20,000, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि यही वो अमाउंट है जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। ये जो 30,000 मैंने लेस किए हैं, ये पिछले साल की आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी अभी भी बुक्स में खड़ी हुई थी वो हमें बुक्स में अभी नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट पिछले साल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग शो कर चुके होंगे, इसलिए हम इसको दोबारा से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज कि ये हमें इस बार रिसीव हुई है। तो इसको हटाया जाए और फाइनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्राफ्ट कर देता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, यह है इनकम, यह है एक्सपेंडिचर, करंट ईयर की इनकम अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यहां पे बाय लगा देना, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड विच इज 21 लाख, फाइनल अमाउंट में यही बाद में लिखूंगा 21 लाख, ठीक है। उसके बाद में लेस कीजिए अमाउंट इंक्लूसिव अमाउंट रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर विच वॉज 30,000, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो ये 30,000 घटा दो अगले साल के भी, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस जो कि 2023 से रिलेटेड है कितना? 40,000, और ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग अमाउंट करंट ईयर की, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट विच इज नोट वन में दिखा दो, नोट वन में एक बार थोड़ा क्लियर बनाता हूं, नोट वन आउटस्टैंडिंग फॉर 2022, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2022 इज 50,000, ये वाला फिगर, लेस आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी 60,000, जिसमें से रिसीव होगी 30,000 इस साल में, तो
बच गई 30,000 पिछले साल की, आ गया 20,000। 20,000 इस बार की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो वो इसमें ऐड कर दो, आपको मिल गया 20,50,000 आपकी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम। ओके, दिस वॉज ए सिंपल कैलकुलेशन, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो चिंता मत कीजिए, आगे वाले क्वेश्चंस में यही सब डिस्कस होने वाला है, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। और देखते रहिए कॉन्सेप्चुअल अकाउंटिंग। जय हिंद।